सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। करनाल में आ रहा हूँ भाई, और यहाँ पर श्वेता जी हैं, श्वेता ढुल जी, जो ये बड़ा फ्लैक्स लगे हुए हैं SBC के उम्मीदवार, करे यही पुकारे EBP जी की तरह ज्वाइनिंग दे सरकार। और इस तरह से भर्तियों में अनियमितताओं पर इस टाइप से कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, और पीछे बहुत सारे फ्लैक्स लगे हुए हैं भाई। देखो मैं सीधी सी बात बताता हूँ, मैंने इन बातों का ज़्यादा सा बेरा को नहीं भाई। मेरी कल श्वेता जी से बात हुई थी, वो बोले कि जगदीप हम इस तरह से कोई काम कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करें प्लीज़। ऐसे किसी भी इशू पर कोई धरना प्रदर्शन है कोई, मैं अक्सर वीडियो बनाता नहीं हूँ, और ये इशू एक ऐसा था, काफ़ी बार ये आ चुका था। और श्वेता जी ने मेरे को कहा भाई हम काफ़ी मुद्दों पर बात करेंगे, सरकार इस तरह से कह रही है हम ना पर्ची ना खर्ची पर कुछ काम कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर विश कोई आवाज़ उठे तो आप आएँ। तो मैंने सोचा कि भाई चलो, वैसे तो नॉलेज है नहीं मैंने, लेकिन श्वेता जी अपने बारे में अपने इशू के बारे में सब एक बार में सब कुछ बता दें। कुछ लोगों के मैसेज आए थे भाई जगदीप पैसे लेके ही वीडियो बनावा है, भाई जगदीप शर्मा पीछे लेके ही वीडियो नहीं बनाया करता। श्वेता जी भी बैठी हैं और बतेरे भाई बैठे हैं, पीछे लेके काम कौन करता भाई, मैं प्रमोशन के और बतेरे काम है, दुकान के ऑफिस के, मैं बतेरी वीडियो बनाऊँ पीछे लेके बनाऊँ भाई, और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, घर भी चलाना है। लेकिन यो एक ऐसा इशू था, बहुत सारे भैया का बहम भी था भाई सरकार अच्छी है, बहुत सारे भैया का बहम भी है भाई सरकार गलत है, तो ये एक इशू था। तो यहाँ पर आ गया मैं ये वीडियो बनाने, और इसमें कोई अलग सी कोई घुमा फिरा के करने वाली बात नहीं। राम राम बेबी। राम राम भाई। और ठीक से? बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पे चली हुई है मैं देख रहा हूँ, और आज मैंने आपके इस इशू का मेरे को ज्ञान नहीं है, पहली बात तो सीधी बता दूँ, मेरे पास कोई ऐसे ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस हों वो लिस्ट भी नहीं है मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ कि आप सरल शब्दों में बताएं कि कहाँ क्या गड़बड़ है, और कहाँ तक आपने प्रयास किया, और कहाँ तक वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारा मुद्दा यहाँ उठाने के लिए हमारी रिक्वेस्ट पर आए। धन्यवाद। ऐसा है भाई, देखो सरकारी नौकरी का मामला है, बेरोजगारी घनी अंड है, मेरे पास 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई इशू मेरे माध्यम से बने, कहीं किसी का भला हो, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, यही एक कारण था, क्योंकि मीडिया हमारा इशू नहीं ढंग से उठा रहा है, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमें अपनी आवाज़ फैलानी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी। जी, ये मुद्दा है भर्तियों में धांधलियों का। Okay. भर्तियों में जितनी धांधलियाँ हो रही हैं, चाहे वे ग्रुप ए में हो, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, सभी वर्ग के सभी युवा सभी भर्तियों में, चाहे वो HPSC द्वारा करवाई जा रही हैं, HSSC द्वारा करवाई जा रही हैं, सभी के लिए वे परेशान हैं। हर एक एग्जामिनेशन में कोई ना कोई मेजर अनियमितता, गलत प्रश्न, मेजर लेवल पे त्रुटियां पाई जा रही हैं, जो हर लेवल पे जाके हर एक युवा रेज कर रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े रहते हों, मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हों, उनके OSD से मिल चुके हों, वेरियस मंत्री गण से मिल चुके हों, विधायकों से मिल चुके हों, हर जगह गुहार लगा चुके हैं, कमीशन में लिख रहे हैं, RTI डाल रहे हैं, ओपन लेटर तक मैं लिख चुकी हूँ, CM साहब को लिख रहे हैं। मेजर गलतियां क्या? मेजर गलतियां मैं अब पेपर में जी मैं अगर जी मैं आती हूँ अब पेपर पे, जो हाईएस्ट सिविल सर्विस एग्जाम ऑफ द स्टेट है, HCS एग्जामिनेशन, STM लगते हैं, DSP लगते हैं, ETO वगैरह सब बड़े बड़े अफसर लगते हैं, ऐसा पेपर 5 साल बाद होता है 23 गलतियों के साथ, जहाँ संविधान का उल्लंघन कर रहा है वो पेपर, जहाँ सिविल सर्विसेज रूल्स का उल्लंघन कर रहा है वो पेपर, नेगेटिव मार्किंग सिनेरियो में वो पेपर करवा दिया जाता है। उस पेपर को रोकने के लिए HAT का गठन हो जाता है, जो 4 साल से मांग पेंडिंग थी, वो HAT के गठन के कारण 18 दिन तक हाईकोर्ट बंद हो जाता है। हमारे पास स्टेट लेवल पे लीगल रेमेडी ही ख़त्म कर दी जाती है कि हम कहीं जाने के लायक ही ना रहे, और उसी हफड़ा दफड़ी में ये जल्दबाजी में पेपर करवा दिया जाता है, तो ये कहाँ का न्याय है? तो क्या कुछ गलतियाँ पाई उस एग्जाम में, मतलब एक दो चार बता दें थोड़ा सा। मैं गलतियाँ 10 क्वेश्चन इन्होंने खुद ही गलत मान के डिलीट कर दिए। ओके। 8 क्वेश्चन के इन्होंने 2 आंसर दे दिए। ओके। इनकी खुद की हाईकोर्ट में सबमिशन है कि 15 अगर क्वेश्चन गलत होते हैं 100 में से 15% तो हम पेपर ही कैंसिल कर देंगे जी। लेकिन इन्होंने चालाकी क्या की, 8 क्वेश्चन के 2 आंसर दे दिए। अब आप ये देखिए कि किसी फैक्चुअल क्वेश्चन के 2 आंसर कैसे हो सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं जी, इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी लंबी है, 7516 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर। आज के युग में जहां हम सूर्य से लेकर धरती तक की
जो दूरी है वो पॉइंट्स तक में नाप सकते हैं, तो कोस्ट लाइन की कैसे दो दो होगी? और उसका ये क्या क्या बोलते हैं उसका जस्टिफिकेशन कोर्ट में? अरे एक ही नंबर का तो फ़र्क है, क्या है? तो फिर एक एक नंबर के तो हमने 18 क्वेश्चन और निकाल के दे दिए थे इन्हें सी सेट वाले, जहाँ एक एक नंबर का फ़र्क था मैथ वाले आंसर्स में, तो वो भी ठीक मान लेने चाहिए थे, और जिनको न्यायपालिका भी ठीक मान रही है। हमारे पास 5 RTIs भी थी, RTI भी इसरो से, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से, जो वहाँ मान्य नहीं हुई, उनके बारे में कोई संज्ञान ही नहीं लिया गया। खैर वो चल रहा है, इकलौता एक मुद्दा नहीं है जी। यहाँ SBC की रिजर्वेशन का बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ये दूसरा विषय आ गया जी। तो पहले हम छोटी सी बात कर लेते हैं, आपने SCS का पेपर दिया था जी, उसमें आप सिलेक्ट नहीं हो, तो क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना हो सकता है, देखो आपके साथ इतने लोग हैं, कहीं ना कहीं आपके ओपोजिशन में भी होंगे जी, बहुत है, तो हो सकता है वो लोग ये भी कहते हैं भाई इसका सिलेक्शन नहीं हो, जाए तो या मीडिया ने पकड़ दे, वो करने लग रहे हैं, इस टाइप से इस तरह का कुछ है, आपने लगा ऐसा? जी, मैं इस चीज़ का जवाब देना चाहूँगी जी। 9-10 साल हो गए मुझे इस चीज़ में, जब मेरा पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मुझे लगा था शायद मुझ में ही कुछ कमी है। Okay. जब दूसरी बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट में गई, क्योंकि एक एक दो दो नंबर से इंसान फेल नहीं हो सकता हर बार। बिल्कुल ऐसा, और मैं अपने आप को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये मुझे BDO तक ना लगा सकें, अलाइड में भी मैं ना आ सकूँ। जब तीसरी बार भी ऐसा हुआ तो तब अब ये जो एक ट्रिगर की तरह काम किया, अब दूसरी बारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ मैं आपको एक और चीज़, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ बीच में, यहाँ बीच एक और एग्ज़ाम की जो सेकंड वाले एग्ज़ाम की बात करती हूँ, मैंने मेंस क्लियर कर लिया था, लेकिन मेंस क्लियर करने के बावजूद भी मुझे पता था कि PT में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो मैंने उन बच्चों का जो हाई कोर्ट में गए थे ना केवल फाइनेंशियली साथ दिया, उनका कोर्ट केसेस पढ़ने में और उनका केस लड़ने में भी साथ दिया, जबकि मैंने खुद एग्ज़ाम क्लियर कर रखा था, मेरा एग्ज़ाम क्लियर था, और मैं बहुत लेटर स्टेज पर जाके इंटरव्यू में रोकी गई थी, जबकि मैं थर्ड टॉपर थी पब्लिक एंड, मतलब अपने विषयों में थर्ड टॉपर थी और एक सब्जेक्ट में 6th टॉपर थी। ओके यदि वहाँ पे स्केलिंग कुछ एक और चीज़ होती है, स्केलिंग मॉडरेशन की गई होती है, तो मैं टॉप 10 में होती रिटर्न में जी। तो उसके खिलाफ मैं बाद में सुप्रीम कोर्ट में उनसे जुड़ी हूँ, लेकिन जब मैं खुद भी सिलेक्टेड थी तब भी मैंने गलत के लिए आवाज़ उठाई थी, और इसे कोई भी चेक कर सकता है कहीं पे भी, किसी भी लेवल पे जाके उन लोगों से बात कर सकते हैं जिन लोगों ने केस किए थे। तो ऐसा नहीं है कि गलत के खिलाफ मैं अभी आवाज़ उठाने लगी हूँ कि मेरा खुद का हो गया, ये जस्ट एक ट्रिगर था। तो और एक और चीज़ सर, सॉरी कि 31 को ये 31 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था जी। 2 अप्रैल को मैंने RTI डाल दी थी पहली, रिजल्ट तो नहीं आया था तब तक, मैं तो नहीं जानती थी कि मैं क्लियर कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास 12 RTI आ गई थी, ये तो इन्होंने 10 क्वेश्चन खुद डिलीट कर दिए, तो उन RTI का कोई महत्व नहीं रहा जी। लेकिन मैंने लड़ाई बहुत पहले से शुरू कर दी थी, और मतलब धीरे धीरे अब जुड़ते चले गए। आपने 3 बार एग्जाम दिया जी, तो आई थिंक 7-8 साल तो हो गए होंगे 3 बार एग्जाम में सर। 9-10 साल हो गए। 9-10 साल हो गए, तो 9-10 साल में पिछली गवर्नमेंट भी आ गई, ये गवर्नमेंट भी आ गई जी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी ऐसी कुछ मिस्टेक्स थी सर? फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मिस्टेक्स थी, लेकिन तब उस टाइम ध्यान नहीं दिया गया इस चीज़ के ऊपर, मुझे लगा शायद मुझ में कहीं कमी है, कि मेरे कहीं रिटर्न अटेम्प्ट में कुछ लगा होगा, कहीं त्रुटि रहेगी होगी, तब मुझे 25 मार्क्स दे के इंटरव्यू में बाहर कर दिया गया था, मैं एक नंबर से बाहर रही थी, तो वहाँ मुझे, और मेरा विकल्प भी होते हैं सर, कि ये था IAS का था कि IAS का एग्ज़ाम दे दूंगी और कोई एग्ज़ाम दे दूंगी, तो इस साइड इतना ध्यान गया नहीं, लेकिन जब बार बार फेलियर होता है तब इंसान का ध्यान जाता है कि हाँ अब कुछ गलत हो रहा है जी, और सहन शक्ति भी जवाब दे जाती है, कब तक इस चीज़ में लगे रहेंगे। और भी एग्ज़ाम दिए हैं आपने? मैंने सर IAS और HCS का ही दिया है, मेरा सपना केवल एडमिनिस्ट्रेटर बनने का था, तो यहाँ मैं सिविल सर्विसेज में जाने का था, कि बस बनना है तो यही बनना है, नहीं तो अब मैं हाउसवाइफ बन के भी मैं आई एम हैप्पी, और कुछ नहीं। और कोई एग्जाम नहीं दिया आपने? नहीं, मैंने नायब तहसीलदार का दिया था। अच्छा जी, नायब तहसीलदार वाले थी सर, वो तो पूरा लीक हुआ था पेपर। अच्छा। वो तो गजब लीक हुआ था, उनको तो हाई कोर्ट में अधिकारियों तक के नाम मांग लिए थे कि इन सबकी लिस्ट दी जाए, लेकिन वो नाम पहुंचे नहीं, वो पहले रफा दफा ऐसे इन विषयों को लेके जी। कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, डबल बेंच में मेरा केस चल रहा है। कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है सर? सिंगल बेंच में इस केस को डिसमिस कर दिया गया। कारण क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा, डिसमिस, कोई कारण नहीं, जबकि पूरा मतलब 12 दिन इसकी रिगरस चली है, दो ढाई ढाई घंटे इसकी पूरी हियरिंग चली है जबरदस्त, जिसमें 27 एडवोकेट थे इन्वॉल्व, 26 केसेस साथ में थे जिसमें सीनियर एडवोकेट थे, 3.5 से 4 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं पिटिशनर्स के, सामने से 5 प्राइवेट पैनल के एडवोकेट इन्वॉल्व थे, प्राइवेट पैनल हट गया था सिर्फ कागज़ों में, CMO से लेटर था विद इमीडिएट इफेक्ट लिखा हुआ था, कागज़ों में केवल वो पैनल हटा लेकिन असल में नहीं हटा,
एजी ऑफिस कागज़ों में आ रहा था लेकिन असल में नहीं हुआ ऐसा। ये सब कुछ होने के बाद सिर्फ उन्होंने एक चीज़ बोली, डिसमिस। कारण कुछ नहीं बताया, दे दिया। वो हमने एलपीए में अपील करी है, अभी डबल बेंच में देखिए उसका क्या रहता है। तो जो कोर्ट ने डिसमिस किया फर्स्ट बेंच ने, क्या वो सरकार के दबाव में आके किया या मतलब क्या लगा आपको भाई, सरकार के दबाव में आ गया या केस में दम नहीं था? मैं दोनों ही बात पूछ रहा हूँ आपसे। जी आप ठीक सवाल पूछ रहे हैं सर। केस में तो इतना दम था कि खारिज ही नहीं हो सकता ये। अगर ये अगले लेवल तक गया ना, ये भागा दौड़ी HAT बनाना, ये सब कुछ, एक कोर्ट को 14-18 दिन तक बंद रखना केवल एक केस को ये करने के लिए, क्योंकि अगर ये सबसे बड़ा एग्जाम है ये स्टेट का, अगर ये एग्जाम अब जाता है तो जो साफ पाक की इनकी इमेज है वो तुरंत टूट जाएगी। वो तुरंत भाई पिछली ये सरकारों में एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, इस सरकार में एग्जाम कैंसिल हो गया तो कैसे? इलेक्शन टाइम आ रहा है तो वो बस जल्दबाजी में करके स्टेट लेवल पे लीगल रेमेडी सब कुछ खत्म तो करके जल्दी से आचार संहिता भी लगा देंगे, फिर कुछ होना जाने नहीं। आचार संहिता लगा देंगे लेकिन कोर्ट में तो हमें डेट मिली है 25 सितंबर, क्या पता उसके आगे की डेट मिल जाए। तो मुश्किल बहुत है, न्यायपालिका भी कहीं हमारा विश्वास हमारा खोता जा रहा है उसके ऊपर से, क्योंकि केवल एक मुद्दा नहीं है। आपको लग रहा है न्यायपालिका में भी कहीं ना कहीं प्रेशर है गवर्नमेंट का? सर ऐसा कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद कोई ना कोई दबाव है, आपके हिसाब से कहीं ना कहीं कोई दबाव है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चीज है जो रोक रही है। वो क्या चीज रोक रही है? या तो हम कोर्ट के ऊपर मान के चले भी जो कोर्ट करेगी फाइनल है, या फिर अब यही माने भी कोर्ट पर भी प्रेशर है। सर ऐसी चीजों के ना थोड़े ये ऐसे खतरनाक जवाब हो जाते हैं कि कंटेम्प्ट लग सकता है। हाँ तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है कि कोर्ट के बारे में कुछ भी बोलते हुए हम कहीं कंटेम्प्ट में आ जाएं, कुछ हो जाए। मैं ऐसा कोई उनको मौका देना नहीं चाहती कि मेरी बुलंद आवाज़ को वो किसी भी मेरे बयान से रोकने की कोशिश करें। एक तो ये हो गया।